क्या हुआ पापा जी? आप रो क्यों रहे पापा जी? बड़ा ही चंगा आदमी था। कौन पापा जी? वही जो मर गया है। हाय राम, कोई मर गया है क्या? तभी तो तेरी बीजी रो रही है। मैं कितने रो रही? मैं तो प्याज काट रही हूँ। तुझे प्याज के आंसू थे? मैं समझा कोई मर गया है, इसीलिए तू रो रही है। इस वास्ते तुसी भी रो पड़े। वाह, क्या रोमांस है। नहीं नहीं पुत्र, ये रोमांस नहीं, ये तो रीत है। ये कैसी रीत है पापा जी? ये ताव मारने की रीत है। हाय हाय, ये टांग मारने की कैसी रीत? टांग नहीं शोभा, ता ता। नहीं नहीं, ता 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 ता। चल कोई नहीं, तू ता ही बोल। एनीवेज, ये ता होता क्या है माँ? ये तो मुझे भी नहीं पता नीरज। इसे कहते हैं धा मारना। फुल फोर्स से गला फाड़ कर चिल्ला कर रोने को कहते हैं धा मारना। बट वाई पापा जी, इतने जोर से क्यों रोना? ताकि लोगों को पता चले कि मरने वाले के लिए उन्हें कितना दुख है। जितनी लंबी धा उतना ज्यादा अफसोस। हाँ पुत्र, ये बड़ी पुरानी रीत है। जब जिसके घर में कोई मर जाता है ना, तो घर के सारे लोग मिलके जोर से ता मारते हैं। सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनका कोई रिश्तेदार मर गया है, जिसका इन्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। फिर अफसोस करने वाले कार आते हैं ता मारते हुए, फिर कार वाले भी उनके गले लग के जोर से ता मारते हैं और जी खोल के रोते हैं। और ऐसे ता मारने से जी हल्का हो जाता है। हाँ जी पापा जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गम का बोझ बहते हुए आंसुओं के संग बह जाता है। साउंड्स क्वाइट लॉजिकल। और बड़ी तसल्ली भी हो जाती है अगले को ये सोचकर कि उसका गम बांटने वाले उसके साथ रो रहे हैं दाएं मार मार कर। हाँ जी पापा जी, वरना लोग तो मुंह लटका कर कह देते हैं हाउ सैड, बड़ा अफसोस हुआ जी सुनकर। और एक्चुअली पता नहीं उन्हें अफसोस होता भी है कि नहीं, लेकिन उनके आंसू तो सच्चे होते हैं ना। और आंसुओं से भी सच्ची होती है ता, जो सीधे दिल पे लगती है और पूरे मोहल्ले में गूंजती है। हाय हाय, तुम काहे ता मारत हो राजू? सब जम को डांटिंग, और रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हुई, मालूम पड़ा कि जो स्टेपनी है ना वो भी पंक्चर। साहब गुस्सा हुई, टैक्सी पकड़ी, ऑफिस जाएंगे और हमको रास्ते पे रोता हुआ छोड़ेंगे। इसीलिए तू रोता रोता कर चला आया। ये मर जाना तो है ही बड़ा रोंदू, सूरज की छोटी सी डांट को दिल से लगा के रोने लगता है। तो इमेजिन करो बीजी कि राजू मामा की टां कैसी होगी। टां? व्हाट इज दिस टां, क्या हुई? वो तो अब आपको फूफी समझाएगी आपके आंसू पोंछते हुए। इसके टां कोई रोमांटिक बात हुई सुबह? पापा जी नहीं। पापा जी बहुत भले आदमी थे, बड़ा अफसोस हुआ, मैं आवागा तो पापा जी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। ले आप कर ले दर्शन। हाँ मैं जीता जागता वन पीस। लेकिन अभी अभी यहाँ कोई रो रहा था। और तू समझा के मेरी टेलीग्राम आ गई ऊपर से? तो चलिया, वो तो हम लोग ता मारने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये लीजिए चिट्ठी। अब तू जा घर, नहीं तो तेरे घर वाले धाएं मारना शुरू कर देंगे। उल्लूदा पट्टा। ओए, ये मर जाना यहाँ क्यों आया था? आपको तो ये बताने की जरूरत नहीं है बीजी कि पोस्टमैन दरवाजे पर क्यों आता है। आप वाला नहीं, पब्लिक वाला। मेरे वाला तो सिर्फ मेरे दरवाजे पे आता है। हाँ हाँ, वो तो हमें पता है बीजी, अगर रिटायर्ड नहीं हुए होते ना पापा जी, तो किसी दूसरे पोस्टमैन को आने नहीं देते यहाँ पर चिट्ठी लेकर। किसकी चिट्ठी दे गया वो? चिट्ठी तो मेरे नाम की है। आपके नाम की चिट्ठी? क्यों क्यों, दर्जी अपने कपड़े नहीं सिलवाता, नाई अपने बाल नहीं कटवाता, तो डाकिया को भी चिट्ठी आ सकती है। ले पढ़। ऐनक लाने का आलस कर रहे हैं। पूज्य पापा जी को प्रणाम। आपको बड़े ही अफसोस से ये सूचित किया जाता है कि इस माह की 10 तारीख को श्रीमती कौशल्या देवी का दुखद निधन हो गया। क्या? ये कौशल्या देवी कौन थी? मेरी कौशल्या मासी जी पापा जी, मतलब मेरी चाची की मासी जी। हम सब उन्हें मासी जी ही कहा करते थे। मैं तो बचपन में उनकी गोद में खेली हूँ। बड़ी प्यार वाली थी वो, बिल्कुल माँ जैसी, इसलिए तो हम सब उन्हें मासी जी कहा करते थे। मैं तो सोच ही रही थी कि जाके उनसे मिलाऊं, लेकिन वो तो चली गई, मेरी मासी जी चली गई। हाय मासी जी, तू किथे चली गई मासी जी, तू क्यों चली गई मासी जी? हाय परमात्मा,
बड़ी पुण्य आत्मा होई। भगवान मासी जी की आत्मा को शांति दे। अब तक तो क्रियाकर्म भी हो चुका होगा। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे चिट्ठी लिखी, पहले खबर कर देते तो हम चौथे पर पहुँच जाते। नहीं नहीं, क्या ना कि मासी जी नहीं चाहती थी कि लोग अपना काम काज छोड़कर उनके क्रियाकर्म के लिए जाएं। हाँ, परेशानी थी मासी जी, हम उनके मौत का अफसोस यही मना लेंगे। बड़ा ही अफसोस हुआ नम्रता, पापा जी से सुना तो मैं दौड़ी चली आई। क्या हुआ पापा जी? सबर कर पुत्र, बड़ी बुरी खबर है। हाँ पुत्र, मासी जी गुजर गई। मासी जी? लेकिन मेरी तो कोई मासी जी नहीं है पापा जी। तेरी मासी नहीं पुत्र, नम्रता की मासी जी। नहीं नहीं, नम्रता की चाची की मासी जी। ओहो, अलाहाबाद वाली। क्या नाम था उनका? कौशल्या मासी जी। कौशल्या मासी। ओह, हाउ सैड। I'm so sorry to hear about it, Nammo. Oye, beda gark, isne to thai nahi mari. The whole thing is that papa ji ke saab ji to ek bhi aansu nahi bahayenge. Haan, usse to rona chahiye tha na. Aur nahi the ki, biwi ke rishtedar jo guzre hain. Shayad isiliye nahi roye dad. Aise mauke par to aur bhi rona chahiye. वरना बीवी को कितना बुरा लगता है। हाँ जी पापा जी, हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि जोरू के संग रो तो जोरू खुश हो जाती है। एटलीस्ट माँ की खुशी के लिए तो ता मार देते डैड। कितनी उदास हो गई है बेचारी, ता मार के इसका गम कम करने की बजाय वो और दुखी कर गया ऐसे। तू फिक्र ना कर पुत्र, वो तेरे गम में शरीक होकर जरूर ता मारेगा। मैं जरा इन्हें चाय देकर आती हूँ। ना पुत्र ना, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब आज घर में खाना भी नहीं बनेगा, फिर पापा जी का क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर पुत्र। तेरे पापा जी एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ किरण, पता नहीं क्यों मैंने आज तक ना ये रिस्क ली है ना लूंगा। नम्रता की चाची की मासी इसके नंदू भैया के तो कुछ नहीं लगती ना। जी नहीं, नंदू भैया तो मेरी मासी के बेटे हैं, सगी मासी के। मैंने पता है पुत्र, इसीलिए मैंने उसे मासी की खबर देते हुए कहा कि जब वो जहाँ अफसोस करने आए तो हम सबके लिए खाना भी लेता आए। मुझे तो खाने की खुशबू भी आने लगी है। वो इसलिए कि नंदू मामा जो आ गए हैं। पापा जी। नंदू, ये क्या हो गया नंदू? बड़ा छोटा टिफिन लाए हो। कोई बात नहीं पापा जी, मैं और भिजवा दूंगा। नम्रता मासी जी चली गई। हाँ पुत्र, अच्छे बंदों को रब जल्दी बुला लेता है। तू तो आराम से और 60-70 साल जिएगा नंदू, ये मेरा आशीर्वाद है। जीजू कहाँ है? उससे भी तो गले मिलकर अफसोस कर लूँ मैं। हाँ, मैं बुला के लाता हूँ उसे। वैसे जीजू को तो बड़ा अफसोस हुआ होगा मासी जी की मौत की खबर सुनकर। नहीं हाँ, अफसोस तो होना ही है पुत्र। The whole thing is that के साहब जी को अंदर ही अंदर दुख होएंगे, इसलिए वो टांग नहीं मारेंगे। पर क्यों, तूने क्यों नहीं मारी था? क्योंकि मुझे टा मारनी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती पापा जी। इसका मतलब है तेनू जरा भी अफसोस नहीं हुआ? नहीं पापा जी, मुझे अफसोस हुआ है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, नम्रता को कैसे पता चलेगा तूने ता तो मारी नहीं? क्या टा मारने से ही पता चलता है कि मुझे अफसोस हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ बिल्कुल। अब तेरा साला आया अफसोस करने, कितनी अच्छी ता मारी उसने। नंदू आया है? हाँ, सभी आ जा रहे हैं धाएं मारते हुए सिवाय तेरे। अब तू चल नीचे, कम से कम अपने साले के सामने एक था तो मार दे, नहीं तो कितना बुरा लगेगा। जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। इसमें ट्राई क्या करना, आई नो यू कैन डू इट। चलकर अपने साले के गले मिलना, उसके पसीने के बदबू से अपने आप निकल जाएगी तेरी था। रीमा का तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था जब उसे मासी जी की मौत के बारे में पता चला। वो बाद में आएगी तुझसे मिलने। हाय नंदू। जीजे। बड़ा ही अफसोस हुआ सुनकर। हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। पापा जी आपका पैर, पैर पे। तभी तू चीखा, मैंने सोचा तूने ता मारी है। हाँ पुत्र, तेनू ता मारनी चाहिए, चल एक चंगी सी ता मार दे। रहने दीजिए ना बीजी, अगर उन्हें रोना नहीं आ रहा तो। काश आज कल्याणी यहाँ हमारे बीच होती। कल्याणी नहीं पापा जी, कौशल्या, कौशल्या मासी जी। ओ पुत्र, कौशल्या मासी तो अब कहीं की नहीं रही। मैं गल कर रहा हूँ उस कल्याणी की जो हमारे गांव में रहती है,
जो हर मरने वाले की अशाइयां बयान करके सबको रुला देती है। अगर वो यहाँ होती तो तुझे भी रुला देती। कैसे 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 रुलाती है पापा जी? पुत्र, सारे अफसोस करने वालों के बीच में खड़ी होकर छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोती है और सारे खड़े लोग इमोशनल होकर उसको फॉलो करते हैं, छाती पीटते हैं और रोते हैं। कहती है, हाय मेरी मासी, सबनु प्यार करने वाली मेरी मासी, मैनु आरास करके चली गई मेरी मासी, मेरा 2000 रुपया लेके के चली गई मासी, ओ लोको, मैं ता मासी दे अंतम दर्शन भी नहीं कर पाया, ओ लोको, मैं की करा, उनको थो लबा मैं अपनी मासी, थो लबा। हाय कितना चंगा बयान दिता है आपने, सबने रुला दिया। हाँ, सो है तेरे पुत्र के। आई एम सॉरी। ये देख, ये है कौशल्या मौसी जी। है नहीं, थी। लेकिन फोटो में तो है ना। हाँ। और ये बहती नाक वाली, ये गोल मटोल सी कौन है? ये माँ है पागल, जब वो 3-4 साल की थी। ली, हम लोग एक काम करते हैं, चल के ना माँ की ये फोटो डैड को दिखाते हैं, वो जरूर टा मार देंगे। तो क्या डैड ने अब तक टा नहीं मारी? नहीं मारी। पता है पापा जी का कहना है कि जब तक डैड टा नहीं मारेंगे ना, मौसी जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। व्हाट नॉनसेंस। तो जाकर पापा जी से बोलना, आत्मा परमात्मा पर वो लेक्चर दे रहे हैं डैड को। आत्मा अमर होती है पुत्र, सिर्फ शरीर मिट जाता है। आत्मा पर ना समय की बंदिश होती है ना स्थान की। इस समय मासी जी की आत्मा यही कहीं है और वो तेनू देख रही है, वेट कर रही है कि तू कब मारेगा ता। अगेन ता। पुत्र, एक बारी जोर से मार दे ता। हाँ पुत्र, मार दे एक बार ता। लेकिन मैं कैसे मारू ता? अपने मुंह से। आप नहीं मानेंगे ना? तू मैनू जानता है ना पुत्र, अपनी वोटी दिखा तेर, एक बारी कोशिश करना। हाँ कर कोशिश। मैं ट्राई करता हूँ। पुत्र जोर से आवाज कर। हाँ हाँ शाबाश, सही जा रहा तू, शाबाश। हाँ जोर से। I can't do it। तेरी ने नहीं की करो जी। उन्हें दुख तो हुआ है पापा जी, लेकिन तू फिक्र मत कर पुत्र, वो ताप मारेगा, उसे ताप मारनी ही पड़ेगी। But the whole thing is that पापा जी की, how, कैसे? मैंने बड़े बड़ों को रुला दिया, फिर ये किस खेत की मूली है? मूली तो ये आप ही के खेत की है पापा जी। तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा अगर उसने धान ही मारी तो। हमारी फूफी हमेशा कहा करती थी कि गम की आग तो पत्थर को भी पिघला देती है, और सूरज के सर पर तो टूटने वाला है गमों का पहाड़। ये क्या कह रहे हैं आप पापा जी? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्र, जब तक वो धान ही मारता उसके साथ कोई भी ऐसी बात मत करना जिसे वो सुनकर हंस पड़े। नो गुड न्यूज, बैड न्यूज ही देना ताकि उदास हो जाए, और उदास आदमी को धा मारने में देर नहीं लगती। अब तुम दोनों वहां बैठ जाओ चुपचाप अपना मुंह लटका के, मैं उसे बुलाता हूं। सूरज, सूरज पुत्र, मेरी दर्द भरी पुकार सुनकर नीचे आ जा पुत्र। बाबा जी आप रो क्यों रहे हैं? वेरी बैड खबर पुत्र, वेरी बैड, वेरी बैड। क्या खबर बाबा जी? मेरी दादी मर गई। ओहो, लेकिन वो तो मेरे पैदा होने से पहले मर गई थी पापा जी। लेकिन ये खबर तो अब भी बुरी है ना पुत्र, मैं जब भी ये खबर सुनता हूँ मेरा रोना निकल आता है, जी धा मारने को करता है। ओ पापा जी, आपकी दादी आपको बहुत प्यार करती थी ना? प्यार तो हीर रांझा करते थे एक दूसरे से। हीर रांझा? हाँ साहब जी, दोनों ने जान दे दी प्यार में। रांझा ने हीर को सोने का हार जो नहीं दिया। लोग तो हल्ली भी उन दोनों को याद करके रोते, लेकिन पता है मैं किस गल को याद करके रो रही हूँ? अब हमारी शादी का जिक्र मत छेड़ देना किरण। नहीं जी नहीं, मैं तो मोती नू याद करके रो रही हूँ। हैं? कौन था वो मोती जिसे याद करके आज भी तू आंसू बहा रही है? सूरज का कुत्ता जी। कुत्ता? यस यस यस, मुझे याद है, मोती, मेरा मोती जिसे मैंने अपने बचपन में पाला था। हाँ पुत्र, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था तूने। उसे तू खिलाता था, पिलाता था, निलाता था, घुमाने ले जाता था, यहाँ तक कि वो सोता भी तेरे ही साथ था। फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। कितना रोया था तू उस दिन,
कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने उसे पापा जी। और वो तुझे कहीं नहीं मिला। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। आज भी तू कितना इमोशनल हो रहा है उसके लिए। हाँ तेरा जी धा मार कर रोने को करता है। नहीं नहीं पापा जी, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। उस वक्त की बात तो और थी, उस वक्त तुम्हें इमोशनली क्लीन बोल्ड हो गया था। क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में सोचिए डैड, क्रिकेट के बारे में सोचिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि कुंबले ने 10 के 10 विकेट ले लिए डैड। हाँ ले लिए, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? श्रीनाथ और प्रसाद को एक भी विकेट नहीं मिला डैड। आप उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचेंगे ना तो आपको भी रोना आ जाएगा। लेकिन नहीं आ रहा ना, इसे रोना नहीं रो रहा ये। अब इसमें रोना क्या पापा जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और आज क्रिकेट तो वॉर का मैदान ही हो गया है। वॉर? वॉर तो महाभारत की हुई थी, जिसमें बेचारा चक्रव्यूह में तो घुस गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, बेमौत मारा गया बेचारा अर्जुन। अर्जुन नहीं रिया बेटी, अभिमन्यु, अभिमन्यु। हाँ अरे तुम लोग इसी तरह से हंसाओगे तो मार चुका ये था। क्या हुआ राजू? कुछ मत पूछिंग साहब जी, कुछ मत पूछिंग। ओ चलिया ऐसा नहीं बोलते, कहीं उसने सचमुच कर दिया। नहीं पूछता तो तेरी बैड न्यूज़ दिल में रह जाएगी। बहुत बैड न्यूज़ हुई साहब जी, बहुत बैड न्यूज़ हुई। लेकिन न्यूज़ है क्या? आप सुनिंग तो आप भी रो पड़ी। नहीं नहीं तू फिकर मत कर राजू, मैं नहीं रोऊंगा, न्यूज़ बता दे। रोएगा नहीं तो बताने का फायदा क्या? बहुत हो गया सस्पेंस, जल्दी बता दे। साहब जी आपको याद है आज सुबह जब गाड़ी का टायर पंक्चर हुई तब आप हमको डांटेंगे? हाँ तो आप एकदम एंग्री यंग मैन की स्टाइल में आएंगे और गाड़ी को लात मारी। हाँ वो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए लेट हो गया था तो मैंने टायर आप ऐसे ही करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपकी पैंट पीछे से फटी क्या करके आवाज भी आई और मुझे पता भी नहीं चला। और वही पैंट पहनकर तू मीटिंग में चला गया। पापा जी मैं वही पैंट पहनकर और भी कई जगह गया था दिन भर। पैंट तो तुमने अब भी वही पहनी है, कितनी शर्म की बात है। तुझे तो शर्म से रोना आ रहा है। पापा जी नमो, ये क्या हो गया नमो? ता मारती ओ बल्ले बल्ले सूरज ने, ता मारती ओ बल्ले बल्ले सूरज ने, ता मारती।